युवा रोजगार स्थापित करें, देश की इकोनॉमी बढ़ाने में सहयोग दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। अजाक्स और डिक्की के संयुक्त तत्वाधान में किया गया कार्यशाला का आयोजन। राजधानी भोपाल में दिन रविवार को एक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे अजाक्स एवं डिक्की के संयुक्त प्रयास से संचालित किया गया। कार्यक्रम भोपाल संभाग के अजाक्स संगठन के 90 से अधिक पदाधिकारियों के लिए रखा गया था, जिसमें भोपाल, विदिशा, राजगढ़, रायसेन और सीहोर जिले के प्रतिनिधि शामिल हुए। यह प्रशिक्षण सत्र अजाक्स कार्यालय भोपाल में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक चला। यह रविवार के दिन आयोजित किया गया, जिसमें अधिक से अधिक पदाधिकारी इसमें भाग ले सके। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जेएन कंसोटिया, एसएल सूर्यवंशी, अनिल सिरवैया शामिल थे। इन कार्यक्रम का संयोजन एससी अहिरवार, प्रांतीय सचिव और आईटी सेल के प्रभारी ने किया। साथ ही बंसीलाल धनवाल, संभागीय अध्यक्ष ने कार्यालय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें उद्योग संबंधित कौशल और ज्ञान प्रदान करना था। इसमें विभिन्न प्रकार के उद्योग संबंधित विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें उद्यमिता विकास, वित्तीय योजना, बाजार रणनीति और तकनीकी कौशल विकास भी शामिल था। इस प्रकार के प्रशिक्षण से युवाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनने की मदद मिलती है, बल्कि यह उन्हें उनके समुदाय और समाज के लिए अधिक योगदान करने के लिए भी सक्षम बनाता है। इस तरह के पहल से उद्योग जगत में विविधता और समावेशिता बढ़ती जाएगी और यह प्रदेश के आर्थिक विकास में भी योगदान करता है। यह कार्यक्रम न सिर्फ प्रतिभागियों के लिए लाभकारी था, बल्कि यह मध्य प्रदेश के रोजगार और उद्यमिता के अवसरों को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम भी था। यह कार्यक्रम अजाक्स के सदस्यों के लिए भी आयोजित था। अब वे औद्योगिक ट्रेनिंग लेकर वह अपने अपने जिलों में युवा बेरोजगारों को रोजगार स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक, आज डिक्की और अजाक्स ने संयुक्त रूप से मिलकर व्यापार कार्यशाला आयोजित की है। इस कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मध्य प्रदेश में ज़मीनी स्तर पर रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता, व्यापार के अवसरों से जोड़ सकें, उनको हैंड होल्डिंग कर सकें, उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं ये उनको जानकारी दे सकें, उनका लाभ कैसे लेना है ये उन्हें बता सकें, कौन कौन से बिजनेस के सेक्टर हैं जहां वो काम कर सकते हैं, कौन कौन सी सुविधाएं उनको अवेलेबल हैं जहां वो काम कर सकते हैं और उन सुविधाओं का लाभ कैसे लेना है। तो इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं को व्यवसाय से जोड़ना, उद्यमिता से जोड़ना मुख्य रूप से है। लंबे समय से आप डिक्की से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्या मूलभूत परिवर्तन देख रहे हैं उसके बाद से आप समझ रहे हैं? निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में अब एससी एसटी के युवाओं में व्यापार को लेके, उद्यमिता को लेके ज़बरदस्त जागरूकता है और पिछले 5 सालों में आप देखेंगे हर ज़िले में, हर सेक्टर में एससी एसटी के युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हमारी कोशिश ये है कि ना केवल मध्य प्रदेश के बड़े और मध्यम श्रेणी के शहर, बल्कि जो तहसील और ब्लॉक लेवल पर भी हम युवाओं को इसके लिए तैयार कर सकें, उनकी मदद कर सकें और बहुत तेज़ी से युवा जो है व्यापार में आ रहे हैं। डिक्की के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, इसमें भी आप उपस्थित रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश शासन चाहते हैं कि एससी एसटी के वर्ग के जितने युवा हैं वो उद्योगपति बने, उद्योग के क्षेत्र में आए, लोगों को रोजगार दें और अच्छा एक माइलस्टोन प्राप्त करें और करोड़ों में भी वो अपने बिजनेस को फैलाएं। मध्य प्रदेश शासन चाहती है। अजाक्स भी एक सरकारी एससी एसटी कर्मचारी अधिकारियों का संगठन है। शासन की जैसी मंशा है वही संगठन भी चाहता है कि शासन की उन योजनाओं को, जो शासन की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को अंतिम तक युवा रोजगार जिनको चाहिए वो उनको प्राप्त करें और अपने अपने उद्योग धंधे और रोजगार के क्षेत्र में अपने आप को समृद्ध बनाएं। उसी को लेके मध्य प्रदेश का जो अजाक संगठन है उसने एक डिग्गी के सहयोग लेकर लोगों को अवेयर करने के लिए, रोजगार स्थापना और शासन की योजनाओं को उनको परिचित कराने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया है। सर, इससे आने वाले जो समय है क्या देखते हैं कि आने वाले समय में युवा किस तरीके से इससे जुड़ेंगे और क्या लाभ? देखिए, केंद्र शासन हो या मध्य प्रदेश शासन, सबकी ढेर सारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी योजनाएं आई हैं। उन योजनाओं को यदि दलित वर्ग का, जो एससी एसटी का
युवा भी रोजगार है यदि वो इनका लाभ लेता है तो जल्दी ही वो एक अच्छे अपने आप को आर्थिक समृद्धि के स्तर पर पालेगा और लोगों को रोजगार भी देगा। सर आज के कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित हैं? आज के कार्यक्रम में हमारे संगठन के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष श्री जैन कंसोटिया साहब रहे हैं, चीफ इंजीनियर एस एल सूर्यवंशी PWD रहे हैं और बकाया हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी संगठन हैं जो शासन की योजनाओं को समझना चाहते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।